स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम इतिहास का हमारा एसएसटी का जो पार्ट चल रहा था, इसका आज फिफ्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने थ्री चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और फोर्थ चैप्टर जो है आपका सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, तो वो चैप्टर हम नहीं पढ़ने वाले अभी। तो इसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है आपका, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, हमारा फिफ्थ चैप्टर है, देख लेते हैं कौन सा है वे। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ठीक है, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने धीरे धीरे भारत पे क्या करना, पूरा एक तरह से अधिकार कर लिया था, आधिपत्य कर लिया था, और उससे लोगों को कितनी परेशानियां हो रही थी। जो भारतीयों पर अलग अलग तरह के जुल्म हो रहे थे, उनके अधिकारों को छीना जा रहा था, इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत सालों तक ये सब, जैसे जैसे ये इतने अत्याचार लोगों पे हो रहे थे, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या, उनमें विद्रोह की भावना पैदा होने लग गई। ठीक है, कुछ जो समझदार लोग थे, बड़े लोग, तो आगे आके उन्होंने धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू किया। विद्रोह ये किस रूप में हुआ, 1857 की क्रांति में के रूप में हुआ, मतलब जब जनता ने क्या किया, बगावत शुरू कर दी। किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है ना, हम आज इसी के बारे में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि जब जनता बगावत करती है कब, 1857 और उसके बाद का। ठीक है, इस चैप्टर का भी कुछ टॉपिक है आपके डिलीट हो गया है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नीतियाँ और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। लास्ट हमने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था, सेकंड पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसने जो जो नीतियाँ नियम जो लागू कर रखे थे, उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। मतलब कृषि को लेकर जैसे कितने कर लगा रखे थे, और खेती बाड़ी कृषि को देखें तो उसमें जैसे महलवाड़ी लागू कर दिया, रैयतवाड़ी लागू कर दिया था, स्थायी बंदोबस्त है, इससे लोगों को इतनी परेशानियाँ हुई। मतलब कुछ जो किसान थे, किसान वर्ग थे, वो तो बिल्कुल गरीबी की कगार पे पहुंच गए थे। मतलब कुछ लोगों ने तो मतलब अपनी जगह, अपना निवास स्थान छोड़ छोड़ के भी उन्हें जाना पड़ गया था। तो इन सब नीतियों से, इनसे राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों, इन सब के जीवन पर अलग अलग तरह के असर पड़े। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीति और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती या उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती, लोग उनका कैसे विरोध करते हैं। मतलब ये विरोध है वो मतलब एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे लोगों के मन में ये भावना पैदा होती रहती है, फिर ये एकदम से बगावत के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो यही बात हुई थी 1857 की क्रांति के रूप में। अब नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य में राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी, क्योंकि जो अंग्रेजी अफसर थे वो धीरे धीरे हर चीज़ पे अपना अधिकार कर रहे थे। तो लेकिन जो इससे राजा और जो नवाब थे, उनकी ताकत खत्म होती जा रही थी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, मतलब जो राजा बचे थे, दरबार थे जिनके, वहाँ पे भी जो कंपनी के अफसरों ने, ब्रिटिश अफसरों ने अपने खुद के अफसर, रेजिडेंट जो थे, वो तैनात कर दिए थे। स्थानीय शासकों की जो स्वतंत्रता थी वो घटती जा रही थी, और उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। ठीक है, बहुत सारे स्थानीय शासकों को अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत भी की। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, क्या चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। मतलब जो झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने एक बेटा, जो बच्चा गोद लिया था, वह उसे राजा बनाना चाहती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो, इन्होंने क्या नीति लागू कर रखी थी कि स्वयं का पुत्र हो वही राजा बन सकता है, बाकी गोद लिया, ये निषेध कर दिया इस विधि, इसको, कि गोद लेने का अधिकार जो है उसे सही नहीं माना है, और जो गोद लिया वो बच्चा होगा उसे राजा बनने का अधिकार नहीं है। तो झांसी की रानी जो थी, उन्होंने भी ये एक तरह से ये आज्ञा लेनी चाहिए थी कि वह उसको, अपने गोद लिए पुत्र को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र टाना साहिब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिताजी को जो पेंशन मिलती है वो मृत्यु के बाद भी उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन सबके निवेदनों को क्या किया, ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि भी थोपी
गई। 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और गवर्नर जनरल जो थे डलहौजी, जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने ऐलान किया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। मतलब शासन सही नहीं चल रहा है, इसलिए उस पर हमें अधिकार करना होगा या हमारा प्रभुत्व करना आवश्यक हो गया है। ठीक है, कि सबसे आखिर में कौन सी रियासत थी जिस पे कब्जा किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा? अवध की जो रियासत थी। ठीक है, एक सहायक संधि भी अवध पे थोपी गई थी 1801 में, और 1856 में क्या था कि अपने कब्जे में ले लिया था। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी योजना बना ली थी। कंपनी के द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे उन पर मुगल बादशाह का नाम क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 1859 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के जो परिवार के लोग हैं उनको लाल किले से निकाल कर दिल्ली में कहीं और बसाया जाए। मतलब बहादुर शाह जफर जो थे उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को लाल किले में नहीं रहने दिया जाए। गवर्नर जनरल जो कैनिंग थे उन्होंने फैसला किया कि बहादुर शाह जो जफर है आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमार के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। किसने किया ये ऐलान? गवर्नर जनरल कैनिंग ने। कंपनी के तहत काम करने वाले जो भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी, वे अपने वेतन, कंपनी में कुछ भारतीय भी काम करते थे तो वो भी बहुत ज़्यादा क्या थे, असंतुष्ट थे। किसको लेकर? वेतन को लेकर, भत्तों को लेकर, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम जो थे जो उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? उन्हें लगता था कि समुद्र पार जो समुद्र की यात्रा से उनका धर्म और जाति क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, बर्मा जिसे म्यांमार भी कहते हैं आज हम, वहाँ जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। मतलब कुछ भारतीय ऐसा कुछ जो थे वो मानते थे कि वो समुद्र में यात्रा करने से या समुद्र पार जाने से उनका धर्म और उनकी जाति वो है भ्रष्ट हो जाएगी, लेकिन कंपनी में ने उन्हें बाहर जाने के लिए बोला। कहाँ? बर्मा। तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने से एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसे ज़रूरत पड़ने पे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। मतलब इन्होंने जो ज़मीन के रास्ते से जाने से मना नहीं किया था लेकिन समुद्री रास्ते से मना किया था, लेकिन कंपनी ने किया कि एक ऐसा रूल निकाल दिया, एक कानून बना दिया कि जो भी नौकरी करेगा कंपनी में कि सेना में तो उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। अब सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेज़ों को क्या लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। ठीक है, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। अब अंग्रेज़ों को धीरे धीरे क्या लगा कि भारतीय जो समाज है उसको सुधारना भी ज़रूरी है, इसलिए सती प्रथा जो बहुत प्रचलित थी और विधवा विवाह जैसे चीज़ें थी जो बुराइयाँ थी, इनको बढ़ावा देने के लिए क्या बनाए? कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन में संपत्ति जुटाने को भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो उसकी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन भी हो गया कि अंग्रेज़ जो है उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे क्या हो गया कि लोगों को यकीन होने लग गया कि अंग्रेज़ जो है वो उनका धर्म है, उनके जो रीति रिवाज है, ठीक है, जो जीवन उनकी जो परंपरागत जो जब जो जीवन शैली चलती आई है, जीने का जो तरीका है वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में क्या थे, बदलाव लाना चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में हम आगे के जो चैप्टर है, चैप्टर 7 है आपका, उसमें पढ़ेंगे। मतलब कुछ थे ऐसे व्यक्ति समाज में आगे निकल कर आए जो समाज में सुधार लाना चाहते थे। अब जनता की नज़र से
उस ज़माने के लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत एक और दो पढ़ें। इसमें जो एक स्रोत वन और टू आगे दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है, जिससे क्या पता चलेगा हमें कि उस ज़माने के जो लोग थे वो अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, 84 नियमों की सूची। यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था, अंग्रेज सरकार जो थी हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर नियम ये लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर दी गई है। मेरठ छावनी से गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों को भी भेज दी गई है। ठीक है, ये किसको सूचित किया? सिपाही ने विष्णु भट्ट और उसके जो चाचा जो एक यज्ञ के लिए जा रहे थे। ठीक है, ये सूचित किया। तो इस स्रोत से हमें क्या पता चलता है कि उस समय लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, एक अगला स्रोत भी है जो हम आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें ही उस सेकेंड जो पार्ट है उसी में देखेंगे। ठीक है ना, तो आज तो हम इतना ही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। 5th चैप्टर जो है आपका, इसमें जनता बगावत करती है जो 1857 में, और उसके बाद तो सबसे पहले नीतियाँ और लोग, नवाबों की छिनती सत्ता, उसके बाद में कि लोग कई ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी सामंजस्य बिठाने की कोशिश भी की अंग्रेज़ी सरकार के साथ में कि वो उनका मान ले उनकी बात, लेकिन जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, पेशवा बाजीराव है, नाना साहेब है, लेकिन इन्होंने उनकी बातों को ठुकरा दिया। तो धीरे धीरे लोगों में क्या होता गया, विद्रोह की चिंगारी भड़कती गई। लोग धीरे धीरे लोगों में गुस्सा जो था वो एक बगावत का रूप लेने लग गया। ठीक है ना, तो ये चैप्टर तो आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।